हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार वोल्ट के बारे में, किस तरीके से आप एक ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर की जो तार की वायरिंग होती है उसके कितने टर्न्स आपको उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि इस तरह की नॉलेज वीडियो उसको हमेशा मिलते रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो तरीका आपको बताने वाला हूँ, ये तरीका हर एक मैकेनिक इस्तेमाल करते हैं, जो इन्वर्टर हो, SMPS हो और स्टेबलाइजर, कोई भी ट्रांसफार्मर वायरिंग करती है और आपका एम्पलीफायर का पावर एम्पलीफायर जो भी ट्रांसफार्मर वायरिंग करती है सभी इसी तरीके से होता है। जो देख लेते हैं तरीका क्या है तो आगे जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ट्रांसफार्मर की टर्न्स के बारे में पता करना है तो आपको 7.5 को उसका जो कोर एरिया होता है, एरिया आपका जो बॉबिन होता है सफ़ेद जो प्लास्टिक का केस आता है बॉबिन, वो बॉबिन कुछ ऐसे इस प्रकार दिखता है। देखिए तो दोस्तों ये रहा एक बॉबिन का इमेज। ये जो इसका बॉबिन का जो कोर एरिया होता है, ये 3 इंच लिखा है देख रहे हैं, ये इसका बॉबिन का कोर एरिया होता है। इस कोर एरिया को आपको कैलकुलेट करना है और 7.5 से आपको डिवाइड करना है। और कोर एरिया कैसे पता करते देख लीजिए, देखिए 3 इंच बाई 3 इंच एक बॉबिन है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देख लीजिए। ये देखिए ए 3 का 3 बाई 3 हम कर दिया और इसका रिजल्ट आया 9 स्क्वायर इंच। ठीक है, अब 9 स्क्वायर इंच को से 7.5 को डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा वही हमारा टर्न्स पर वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। देखिए डिवाइड कर लिया हमने 7.5 को 9 से कैलकुलेट करेंगे आपको 0.84 रिज़ल्ट आएगा। मतलब कि 0.84 जो रिज़ल्ट हमें निकल के आया है यही है एक वोल्ट के लिए 0.84 टर्न हमें लगाना है। तो हमें इनपुट में इनपुट और आउटपुट में एक ही हिसाब से हमें लगाना है। तो हमें जितने भी वोल्टेज से हम इसको वो वोल्ट 230 भी हो सकता है, 120, जितने भी वोल्ट हम इसको इनपुट दे सकते हैं, मगर उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। 230 से आपको 0.84 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल करेगा वो आपको प्राइमरी कॉइल का टर्न होगा और 24 और 12 जितने भी आउटपुट चाहते हैं उसी हिसाब से आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करके आपको सेकेंडरी टर्न लगाना है। चलिए दोस्तों चलते हैं।